जमहूरियत, बदबूदार जमहूरियत, बेशर्म हुक्मरान अगर ये इसी तरह रहे तो फिर इस पाकिस्तान की सालमियत को खतरा है। वो वक्त गुजर गया जब कारकुन जो थे वो कुर्बानियां दिया करते थे, अब कुर्बानियां जो है वो लीडर दिया करेंगे। I would rather quit politics than to stab the party. सियासत छोड़ दूंगा लेकिन पार्टी की पीठ में खंजर नहीं घोंपूंगा। जी हां नाजरीन, ये अल्फाज थे प्राइम मिनिस्टर सैयद यूसुफ रजा गिलानी के, जो कि आज से कुछ अरसा कबल उन्होंने दुनिया टीवी को अपने खसूसी इंटरव्यू में कहे, और लगता है कि वो वक्त आ गया। आज से, आज ही की तारीख अगर हम जिक्र करते हैं तो आज से 14 घंटे बाद, ठीक 14 घंटे बाद अगर प्राइम मिनिस्टर जब सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे तो फैसले की घड़ी जो है, फाइनल फैसले की घड़ी आन पहुंची है। और प्राइम मिनिस्टर पे अगर फर्द जुर्म जब आयद की जाती है तो उसके नतीजे में क्या होगा, वही आज अपने जो है ख्यालात का इजहार उन्होंने एक अरब टीवी के साथ इंटरव्यू में किया। और उनका ये कहना था कि अगर उन पर फर्द जुर्म आयद हो जाती है तो वो फिर प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि सदर पाकिस्तान को बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क मुकम्मल इम्यूनिटी हासिल है, सबके सियासी बुनियादों पर बनाए गए थे। इसके साथ ही सदर साहब की बेटी अपने वर्करों को ट्विटर के जरिए पैगाम के तौर पर ये कह रही है कि ना हम जेलों से डरते हैं ना सजाओं से। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस साहब भी अपने खिताब में कह रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अपने आप को कानून से मावरा नहीं गिरदाना, तो हम कौन हैं। वजीर आजम और पीपल्स पार्टी की जानिब से कल सुप्रीम कोर्ट में पेशी से कबल ही जो स्टेटमेंट्स इस वक्त सामने आ रहे हैं उसमें खुला पैगाम जो है यही कहा जा रहा है, जो हम लोगों को अभी तक ही समझ आ रही है कि वो लोग खत नहीं लिखेंगे। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर मनोअन जो है तस्लीम किया जाना चाहिए और उस पर अमल दरामद भी कराया जाना चाहिए। दूसरी जानिब अपोजिशन भी सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी है। इमरान खान, नवाज शरीफ, दिफाए पाकिस्तान काउंसिल अगर हो तो लगता कुछ ऐसे ही है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज। मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी, सबसे बड़ा मुजरिम, सबसे बड़ा लुटेरा, आज से बड़ी बीमारी। इन तकरीरों से, इन जलसों से, इन झंडों से ये बेशर्म नहीं जाने वाले हैं। ओ हाजियो, आप जाओ तो 7 टैंकरों में से 2 टैंकरों बचा के लाना, इस्लामाबाद में मारनी बड़ी जरूरी है। अब ये कनकरी बकौल शेख रशीद कोर्ट के जरिए पड़ती है, अवाम के जरिए पड़ती है या अपोजिशन के जरिए, या फिर अभी भी तौबा का दरवाजा खुला है, इसी पे मजीद बात करेंगे। तौहीन अदालत का कल बहुत अहम केस प्राइम मिनिस्टर कोर्ट के सामने पेश होंगे, फर्द जुर्म आयद की जाएगी, अगला सिनेरियो क्या होगी इस पर बात होगी एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। क्या शहादत, जेल जाने का या कुर्बानी का वक्त करीब आ चुका है। आज से ठीक 14 घंटे बाद क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर जब सुप्रीम कोर्ट में तशरीफ ले जाएंगे, इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हम इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगे सदीकुल फारूक साहब, सीनियर रहनुमाएं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। शौकत बस्ता साहब रुकन पंजाब असेंबली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन साहब का ताल्लुक है, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। लाहौर से ही हमें ज्वाइन करेंगे उमर चीमा साहब, PTI के सीनियर रहनुमाएं, आप सबको डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। शौकत बस्ता साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कुछ मुश्किल वक्त तो नहीं आन पड़ा आप लोगों के ऊपर, और जो बकौल शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि कंकरी हाजी अगर ले आते तो ये फिर कंकरियों से ही जाएंगे, क्या आप फाइनल कंकरी किसकी लग रही है, अदलिया की, आवाम की या अपोजिशन की आपको लग रही है? आपने शेख रशीद की बात कही, मैं वो क्योंकि गंद पे कहते हैं पत्थर मारे तो आपके अपने कपड़े खराब होते हैं, उनके मुतालिक मैं बात नहीं कहना चाहता। दूसरी बात यह है कि ये हथकड़ियां, ये जेलें, इससे हमें कोई ना डराए, ये हम तो किले वाले हैं, हम लोग तो कोड़ों वाले हैं, हम फांसी घात वाले और शहादतों वाले हैं, हम कोई दूध पीने वाले नहीं हैं, हम तो खून देने वाले लोग हैं। और दूसरी बात, बिल्कुल इस आपको मैं जबरदस्ती नहीं भेज रहा, मेरी बात सुन ले, आसमा मुझे बात मुकम्मल कर लें, या फिर आसमा एक बात सुन ले, ना ही हम सियासी भगौड़े हैं जो रातों रात टिंड फोड़ी लेके जद्दा भाग जाएंगे, हमने ये जेलें भी देखी हुई हैं, फांसी घात भी देखे हुए हैं। और दूसरी बात, जो आपकी बात का जवाब दे दूं, देखें दो बातें हैं, एक तरफ आर्टिकल 6 है और दूसरी तरफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, तो हमने हमेशा आइन की बात की है और आइन सुप्रीम है, आइन के ताबे पार्लियामेंट है, आइन के ताबे सुप्रीम कोर्ट है और तमाम एग्जेक्टिव है। अगर हम खत लिखते हैं तो आर्टिकल 6 के जुमरे में आते हैं, चूंकि 248 आर्टिकल 6 के
सुन ले मैं बता देता हूँ। एक मिनट कॉन्स्टिट्यूशन को आप तोड़ेंगे नहीं, वो तो आर्टिकल 6 उस सूरत में अप्लाई होता है कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को आप आइन, आप भी वकील हैं, आप बेहतर जानते हैं समझते हैं कि आर्टिकल 6 उस वक्त लागू होता है जब आप पाकिस्तान के आइन और कानून की वायलेशन करें। परवेज मुशर्रफ जिसने तोड़ दिया पाकिस्तान के आइन को तोड़ा ना, आप मेरी बात समझेंगे सुन लें जी। हम ये कहते हैं कि 248 के ताबे इम्यूनिटी हासिल है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, ना पाकिस्तान में जिनीवा कन्वेंशन के ताबे भी। अगर हम खत लिखते हैं तो आर्टिकल 6 के जुमरे में इसलिए आते हैं कि हम आइन के खिलाफ जाते हैं। और दूसरी बात, परवेज मुशर्रफ ने आइन तोड़ा, ज़ियाउल्लाह ने आइन तोड़ा, उनको भी मैं कोर्ट को कहूंगा भलाएं, हम आइन के खिलाफ नहीं जाएंगे। नंबर टू, दूसरी आप आइन के खिलाफ नहीं जा रहे, ये आपने आइन नहीं तोड़ा ना, ये नहीं, अगर हम लेटर लिखते हैं, अगर लेटर लिखते हैं तो सुन ले, इम्यूनिटी आपने क्लेम नहीं कर रहे, इम्यूनिटी आप बाहर बाहर कहते हैं। मुझे बात बताइए आसमा, सामने नहीं रखा, क्या कोई ज्यूरस क्या सुप्रीम कोर्ट की कोई ऐसी जजमेंट बता दें जिसमें उन्होंने कहा हो कि 248 के तहत इम्यूनिटी प्रेसिडेंट को हासिल नहीं है। आज तक इसके मुतालिक बात नहीं आई। दूसरी बात, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, देखें हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में हम आर्टिकल नहीं तोड़े, आइन नहीं तोड़ेंगे, और अगर हमें कंटेम्प्ट के ताबे सजा दी जाती है तो हम उसको सहेंगे, हम बर्दाश्त करेंगे, इसलिए कि हम अदारों में तसादम नहीं चाहते। कंटेम्प्ट, ठीक, मुझे समझ आ गई, मुझे समझ आ, आप जेलों का सामना करेंगे, अदालत आपको कहेगी, खत लिखेंगे, उस पे आप अमल दरामद नहीं, इसलिए नहीं करेंगे, सुन ले, कि वो मैंने आप अपने सदर के खिलाफ नहीं लिख सकते, इसलिए नहीं लिख सकते कि हमें आईन इजाजत नहीं देता। हम पहले आइन तो फिर आइन आपको वहां पाकिस्तान का आइन, अगर आर्टिकल 190 भी सर वहां पे आ जाता है कि उसमें अगर आप अदालती अहकाम को चीफ एग्जीक्यूटिव अगर नहीं मानता या स्टेट नहीं मानती तो फिर अनारकी की जाने मैं उसका भी आपको जवाब देता हूं, उसको बुला सकते हैं कि जी आइन आप उस पे अमल दरामद भी आपको जवाब देता हूं आसमा, अदालतों को ऐसे फैसले नहीं करने चाहिए जो इंप्लीमेंट ना हो सके। नंबर वन, नंबर टू, अदालत बाइस्ड हो गई इस वक्त, क्या मेरी बात, अदालत बाइस्ड हो गई, हमने जिस इहतराम के साथ अदालत में पेश हो रहे हैं पूरी दुनिया ने देखा, प्राइम मिनिस्टर पहले भी पेश हुआ था जब जजेस ने अपनी जानें बचाई थी भागकर, हम अदालत का एहतराम करते हैं, हम अदालतों से लड़ते नहीं, अपने केस जरूर लड़ते हैं। और दूसरी बात, एक बात बता दूं, अभी आपने इंट्रो में कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि फर्दे जुर्म लगी तो मैं रिजाइन कर जाऊंगा, फर्दे जुर्म नहीं कहा उन्होंने, उन्होंने कहा अगर मुझे कन्विक्शन हुई, कल कन्विक्शन हो गई ना, कन्विक्शन नहीं, कल फर्दे जुर्म है, फर्दे जुर्म अभी इश्क इम्तहान और भी हैं, जब फर्दे जुर्म लगेगी हम लोग अपना डिफेंस पेश करेंगे, आगे से प्रोसिक्यूशन अपना डिफेंस लेकर आएगी, तमाम चीजें कौम के सामने आएंगी। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं आसमा, हम लोग आइन के खिलाफ नहीं जा सकते क्योंकि यही आइन पाकिस्तान है जिसके ताबे शहीदों ने फांसी का फंदा चूमा, यही आइन पाकिस्तान है जिसकी खातिर हमने कुर्बानी दी। सदीकुल फारूक साहब, मैं सदीकुल फारूक साहब से जरा सवाल कर लूं, सदीकुल फारूक साहब आपको सारी गुफ्तगु समझ आ गई होगी, उमर चीमिया साहब ने भी सारी गुफ्तगु सुन ली, अब आप क्या कहते हैं सदीकुल फारूक साहब, इनको समझ आ गई आइन के खिलाफ ये नहीं जाएंगे, आइन से मावरा ये कोई काम नहीं करेंगे, फिर अदलिया चाहे चीखती रहे वो अपने डिसीजंस देती रहे, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत अदलिया के फैसलों का एहतराम करेगी, अमल दरामद नहीं करेगी। एक बात दे दीजिएगा और भी साथ दे दीजिएगा, क्या अदलिया जब ये कहे, सुन ले स्पीकर फारूक साहब एक बात और भी ले लीजिएगा, अगर पार्लियामेंट ये कहे कि हमने वो केस समाप्त करने हैं जो सुप्रीम कोर्ट के पास पड़े हैं, क्या ये मुमकिन है? क्या बात कर लेते हैं इस पे, प्लीज करें बात कर लेते हैं। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं उमर चीमा साहब ने आज इतनी अक्लो दानिश की बात की है, शौकत बसरा साहब थे, उमर चीमा साहब जी ना अपना शौकत बसरा साहब ने, कि मैं खुद हैरान रह गया हूं इतनी समझ बूझ का मुजाहरा कर रहे हैं, और बिलाशुबा जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने अपोजिशन के साथ मिलकर ये आइन बनाया और पीपल्स पार्टी के क्रेडिट में ये बात जाती है। अब वही आइन इंटरप्रिटेशन का हक सिर्फ और सिर्फ अदलिया को देता है, वही आइन अदलिया के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद का पाबंद बनाता है चीफ एग्जीक्यूटिव को भी और सबको। अब उसके मुताबिक अगर ये खुद ही इंटरप्रिटेशन करने बैठ जाएं, मेरी पार्टी या मेरी पार्टी का लीडर इस तरह से खुदा न खास्ता सिचुएशन में हो, हम खुद इंटरप्रिटेशन करने बैठ जाएं, ये बिल्कुल आइन की खिलाफ वर्जी होगी। तो इस सूरत में होगा क्या, वो कह रहे हैं हम आइन का एहतराम करेंगे, ये बात जो इन्होंने की है ना कि अभी कल फर्द जुर्म लगेगी, फर्द जुर्म के बाद बाकी, तो हम भी ये कहते हैं कि जो आइन और कानून का प्रोसेस है
उसको मुकम्मल होना चाहिए, वो फुली एग्जॉस्ट हो जाए। सदीकुल फारूक साहब, आपको समझ आ गई, आप सब बात आपने सुन ली। आप कह रहे हैं अमल दरामद होना चाहिए, होना चाहिए, कोर्ट भी कह रही है होना चाहिए, पीपल्स पार्टी कहती है एहतराम हम करेंगे, लेकिन अमल दरामद पे वो भी फिर कहते हैं। अब अमल दरामद को देखिए ना, मैं आपसे करूंगा अमल दरामद होगा। मैं एक बात कर लूं, शौकत साहब फिर आप बात कीजिए, शौकत साहब फिर आप बात करें। मैं ये अर्ज करूंगा जी कि अगर पीपल्स पार्टी की क़यादत ने अमल दरामद ना किया, एक इल्जाम है करप्शन का, एक इल्जाम है स्विस बैंकों में काला धन रखने का, उसमें फ्रांसीसी सदर का नाम भी आ रहा है, उसमें से जनाब आसिफ अली जरदारी जब अमेरिका में थे वहां से उन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट पेश करके अपने आप को हाजिरी से मस्तस्ना करार दिलवाया, वो एक मुल्क के अलावा कुछ और मुल्कों में भी हैं ये मामलात। तो अगर वो ये कहें कि जनाब कुर्बानियों की बात दुरुस्त है, कोड़े खाने की बात दुरुस्त है, लेकिन खुदा के लिए अगर कहीं किसी भी क़यादत पर करप्शन का इल्ज़ाम आ रहा है, उस हवाले से आपने ये भी फरमाया कि जनाब परवेज मुशर्रफ को बुलाया जाए, उसने आइन को तोड़ा, खिलाफ वर्जी की, तो भाई आप ही की क़यादत ने उसको गार्ड ऑफ ऑनर दे के भेजा। हालांकि नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून चीखती रही कि भाई इसे इम्पीच करो और इसे सजा दो। इसलिए मैं ये कहूंगा अब मैं समझता हूं आइन और कानून अपना रास्ता लेगा, और अगर इस पर अमल दरामद ना हुआ तो मैं समझता हूँ पूरी कौम मुतहद है सवाई चांद लोगों के, बहरहाल अमल दरामद होगा। एक नया लॉन्ग मार्च हम, उमर चीमा साहब अब आप क्या देख रहे हैं, अदलिया के फैसलों का एहतराम किया जाएगा, अमल दरामद नहीं किया जाएगा? मैं समझता हूँ कि जरूरत पड़ेगी अगर लॉन्ग मार्च की तो लॉन्ग मार्च होगा। उमर चीमा साहब, मुल्क में ये जरूरी है कि इस मरतबा अमल दरामद हो जाए। इस वक्त मुल्क में क्या आसमान, हम दरमियान में नहीं बोलते लेकिन टर्न वाइज जरूर टाइम दीजिएगा। शुक्रिया आसमान। मैं समझता हूँ मेरे लिए नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए ये बड़ा लम्हा फिक्री और तशवीशनाक सी सूरत हाल है कि एक वो शख्स जिसने वजारत उज़्मा का हल्फ लिया हुआ है वो ये बिल्कुल जो है बड़ी दीदा दलेरी के साथ ये कह रहा है कि वो आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करने को तैयार है, वो सुप्रीम कोर्ट के जो है फैसलों पे अमल दरामद करने को तैयार नहीं है, वो सिर्फ अपनी लीडरशिप को बचाने के लिए सियासत तक कुर्बान करने को तैयार है। वैसे अगर आप देखा जाए तो मैं समझता हूं अगर किसी भी जमहूरियत के अंदर इस किस्म का स्टांस जो हुक्मरानों हमारे हुकूमत ने लिया हुआ है ये एक शर्म का बायस है, क्योंकि आप ये देखें कि ये वो पैसा जो इस कौमी जो कौमी खजाने से लूटा गया, जो इस कौम का लूटा हुआ पैसा जो बाहर पड़ा है, उस पैसे को बजाय के वापस लाने के उसको जो है जस्टिफाई करने के लिए एक शख्स की करप्शन को बचाने के लिए अदारों को टकराव की जो सूरत हाल पैदा की जा रही है, इससे मैं समझता हूं कि यकीनन वो लोग और खासतौर पे पीपल्स पार्टी के भी वो वर्कर्स और वो तमाम वो लोग जिन्होंने आजाद अदलिया के लिए जो है एक जदोजहद के अंदर कुर्बानियां दी, कुर्बानियों के लिए तैयार है, हम जेलों में जाने के लिए तैयार है, इनकी लीडरशिप बयानात दे रही है, वो कह रहे हैं कुर्बानियां नहीं दी, अब लीडर देंगे कुर्बानी, आइन और कानून के खिलाफ नहीं जाएंगे ना, फिर अदलिया जो कुछ कहेगी उसको आप एक साइड पे रख दे, आइन और कानून के खिलाफ नहीं जाएंगे, जेलों में जाएंगे, जो कुछ देखे जहां तक सवाल आइन कानून और उसकी इंटरप्रिटेशन के पहले भी बात की गई कि यकीनन जो है आला अदलिया को इख्तियार हासिल है कि वो आइन की जो है तशरीह करने का उसकी इंटरप्रिटेशन का, और अगर सुप्रीम कोर्ट एक फैसला देती है उसके बरक्स जो है अगर वजीर आजम साहब एक लॉ सेक्रेटरी या लॉ डिपार्टमेंट की राय को ज्यादा अहमियत देते हैं तो यकीनन जो है हमें पूरी उम्मीद है कि आला अदलिया जो है आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेगी, लेकिन मैं जो आपसे गुजारिश कर रहा था, फैसला करेगी उमर सीमा साहब, फैसला तो करेगी, फैसले पे अमल दरामद तो फिर देखें स्टेट कर आती है ना, अगर देखें आसना वैसे तो असूलन अमल दरामद नहीं कराएगा मुल्क तो अनारकी की जानिब जाएगा, असूलन तो देखें ये तमाम इन कौमी लुटेरों के खिलाफ जो भी कार्रवाई है वो बहुत अरसा पहले हो जानी चाहिए थी, आपको भी पता आज 2 साल से आप क्या करेंगे, आपका सुनामी क्या करेगा, आपका सुनामी क्या करेगा इनके खिलाफ, आपका सुनामी क्या करेगा तो इनके खिलाफ? पहले ही कह चुके हैं कि हमने नायल और करप्ट हुक्मरानों के खिलाफ जो एक जहाद का आगाज किया हुआ है और हम अदलिया के फैसलों के हवाले से जहां तक है हम बिल्कुल आजाद अदलिया के साथ खड़े हैं और उस पर अमल दरामद कराने के लिए बिल्कुल भरपूर तौर पर जो है हम आवाम को मोबिलाइज करेंगे, और अगर ये कोई उसके राह में रुकावट डालना चाहेंगे तो हम बिल्कुल आवाम फिर सड़कों पे होगी इंशाल्लाह। जी जी शौकत बसरा साहब, क्या होगा मुझे तो यही लग रहा है, अपोजिशन कोर्ट के पीछे खड़ी है, आप कोर्ट के सामने खड़े हैं, कोर्ट आपसे ये कह रही है कि जी अमल दरामद करा दें, आप फिर कह रहे हैं कि जी ऐसा तो मुमकिन हो नहीं सकता, फिर होगा तो होगा क्या? वो कहते हैं ना पहली बात हमें ये कोई ना सिखाए कि अदलिया का एहतराम किस तरह करना चाहिए, माजी में जिस तरह वो तो नजर आ रहा है, सुन लें सुन लें,
हम से ज्यादा अदलिया का, जिनको अदलिया के खिलाफ जो रिजर्वेशन है, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब की फांसी हो, बीबी साहबा की असम्बली की बहाली हो और उसके बाद जरदारी साहब के 9 साल हों जो हमने जेलों में गुजारे, लेकिन हम अदालतों से नहीं लड़े लेकिन अपने किससे जरूर लड़े हैं। इनको मैं बता दूं जिनकी जो आप अदलिया के एहतराम की बातें करते हैं, अदलिया पे हमले करने वाले और आईजीआई से पैसे लेके जिनके केसेस समाप्त नहीं होते, 32 केसेस इनके, सुन तो ले, सुन ले मुझे, मेरे बात मुकम्मल कर ले, अभी दरमियान मेरी गुजारिश है, आसमान में किसी के दरमियान में बोला, मेरी बात सुन ले आप, बात सिर्फ इतनी है, वो कहते ना दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए सजना भी मर जाना। आज शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब का जो केस है, पूरी दुनिया जजेस मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ये कहते हैं कि दैट वाज अ जुडिशियल मर्डर, वो कहते हैं किसी केस में कोर्ट पेश ना करें, और आज भी मैं कहता हूं कि ऐसा फैसला मत करें जो कल आप अदालतों में पेश नहीं कर सकेंगे। आज हमारा मौकफ इसके ऊपर सिर्फ इतना है कि ये अगर हम खत लिखते हैं तो एक तरफ आयन टूटता है जो आर्टिकल 6 का तकाजा करता है कंटेम्प्ट। अच्छा आप आइन सुन तो नहीं, कंटेम्प्ट फिर ठीक है, फिर मुझे ये समझा देना, फिर आइन अगर टूटता है तो कंटेम्प्ट ठीक है, कोर्ट की तोहीन ठीक है। अच्छा मैं उसी पे आ रहा हूं, अभी इन्होंने कहा कि उनको इंटरप्रिटेशन कहा कि हम भी कहते हैं, देखें 18वीं तरमीम में जब 1973 का आइन बना था उस वक्त ये एड हुआ था अपना 248 सब क्लॉज 2, अगर इनको परेशानी थी मेरे भाइयों को जो सारे अभी बैठे हैं, 18वीं तरमीम में इसको क्यों ना चेंज किया गया, नंबर वन क्यों सदीकुल फारूक, सुन ले मेरी बात, बस ये मेरे पास, मैंने ब्रेक पे भी जाना है, बस सब मुझे आपको पॉइंट समझ आ गया, बिल्कुल आपको पॉइंट समझ आ गया कि 18वीं तरमीम में मामला क्यों नहीं उठाया गया। 18वीं तरमीम को जरा एक साइड पर रखने, इम्यूनिटी अगर क्लेम कर दी जाए तो फिर आप भी पाकिस्तान के आइन को सामने रख के कहते हैं कि जी इसमें इम्यूनिटी इनको हासिल है, फैसला क्या कर फारूक साहब, इम्यूनिटी क्लेम करने में डर खौफ क्यों है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को? नहीं कि जब लिखा हुआ है 248 तो हासिल करें, आर्टिकल 248 में लिखी हुई है 248 इम्यूनिटी हासिल है। यहाँ पीपल्स पार्टी के हमारे दोस्त अदलिया की जगह बैठने की कोशिश करते हैं, वो एस्यूम कर लेते हैं कि उन्हें इम्यूनिटी हासिल है, ये इम्यूनिटी भी उन्हें सुप्रीम कोर्ट से लेनी है। एक लम्हा। दूसरी बात, बसरा साहब ने कहा 1978 में और 2012 में जमीन आसमान का फर्क है। आज उस वक्त अदालतें थी मार्शल ला की, आज अदालत है आजाद माहौल में। इस अदालत ने जिद्दोजहद की है उस आमिर के खिलाफ, और फिर तमाम सियासी ताकतों ने मिलकर इस अदलिया को बहाल कराया है, तो आज अदालत आईन और कानून के मुताबिक फैसले दे रही अदालत है, अदालत आईन और कानून के मुताबिक सर फैसले मैं लेगी। मैं बिल्कुल ब्रेक लेनी है, मुझे ब्रेक लेनी है, मैं आपकी बात ब्रेक करूं। के बाद हम इसी पे बात करेंगे, अदालत तो आईन और कानून के मुताबिक फैसले कर रही है। पीपल्स पार्टी ये कहती है कि अगर हम हमेशा आईन और कानून का एहतराम करेंगे, लेकिन फिर दूसरी जानब जब तोहीन अदालत के मामलात आते हैं तो फिर बहुत कुछ कहा जाता है कि खत भी नहीं लिखा जाएगा। कल क्या होगा, ठीक 14 घंटे बाद क्या होने जा रहा है, इस पर बात होगी सर से। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर जब कल कंटेम्प्ट के सिलसिले में पेश होंगे तो 14 घंटे तो रह गए, तो क्या होने जा रहा है, तसादुम की जानिब जा रहे हैं हालात या नहीं? सदीकुल फारूक साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम इसी पे बात कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत बार बार अदलिया के सामने जाते हैं, एहतराम भी करते हैं, लेकिन फिर कुछ चैलेंज भी कर देते हैं, फिर बार बार बसरा साहब ये कह रहे हैं आईन और कानून का एहतराम करेंगे। पीपल्स पार्टी वाले हमारे भाई अब खुल के ये तो नहीं कह सकते ना कि हम अदलिया को नहीं मानते, हम कानून को नहीं मानते, हम आईन को नहीं मानते, क्योंकि इसी आइन की और इस जमहूरियत की और अदलिया की ये पैदावार हैं, उसी वजह से ये आज इक्तदार में भी हैं। लेकिन ये थोड़ा सा इस तरह से रास्ता तलाश करते हैं। मैं ये अर्ज करूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में आज़ाद अदलिया और जैसी भी ये जमहूरी हुकूमत है, इसमें एक टसल है, जैसे इंडिया में भी थी, अगरचे वहां जमहूरियत एक दिन के लिए भी डिरेल नहीं हुई और वहां फिर अदलिया प्रोएक्टिव हुई और उसने अपना मकाम बनाया, इलेक्शन कमीशन ने वहां अपना मकाम बनाया, पे भी एक ऐसे मरहले से यहां से भी गुजरे। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि पूरी कौम की सपोर्ट से अदालत जो आईन और कानून के मुताबिक चल रही है उसका चेक एंड बैलेंस का जो किरदार है वो होगा। कौम की सपोर्ट तो नहीं है ना, अदालत के सामने भी आपके लीडर भी गए, उन्होंने कहा कि जी हमने अदलिया को बहाल कराया, अदालत ने शुक्रिया अदा किया उनका, आप अपनी बात करें। इंतजार हसन ने कहा वो बिल्कुल ठीक है, मतलब एक एक किरदार हमने अपने वर्कर्स को लाके यहाँ बिठा दिया, हमने एक किरदार अदा किया,
हमने एक किरदार अदा किया, सारी दुनिया मानती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अगर इदारा बनाने के लिए हमने किरदार अदा किया तो वो इदारा, अगर हम गुनाहगार हैं, हमने गलत काम किया, तो वो हमें सपोर्ट करे, नहीं करेगा ना, हम तवक्को रखते हैं। नहीं तो आगे हम क्या तो दोहरे मेयार के लोग नहीं है। आगे क्या एक होगा? आगे कल आपको क्या लग रहा है? अब क्या मुझे होने जा रहा है? मुझे यही लग रहा है कि अदालत आइन और कानून के मुताबिक चलेगी, अदालत आइन कानून के मुताबिक और जो फैसला देगी, और उसमें अगर वो कन्विक्ट होते हैं तो कन्विक्ट होंगे, कन्विक्ट होंगे, फिर हम अदालत के फैसले के साथ हैं, आइन के मुताबिक के साथ है। अमल दरामद कौन कराएगा? अमल दरामद एग्जीक्यूटिव को करना पड़ेगा, अगर नहीं करेगी तो पूरी कौन करवाएगी? पूरी कौन करवाएगी अमल दरामद? कौन कैसे अमल दरामद कराएगी? कौन सड़कों पर आएगी? आर्टिकल 190 पूरी सपोर्ट देगी? नहीं तो इसका मतलब अदलिया के फैसलों पर अमल दरामद के लिए कौन को सड़कों पर आना पड़ेगा? ऐसे हालात भी पैदा होते हैं तारीख में, तारीख में हो सकता है कि ये सिचुएशन भी पैदा हो जाए के कौम को अदलिया के फैसलों पर अमल दरामद करने के लिए एक मरतबा पूरे जोर से सड़कों पर आना पड़े, ताकि आइंदा किसी को इन फैसलों से इनहराफ या अमल दरामद से इनकार की जरूरत ना हो। सिद्दीकुल फारूक साहब मैं मसला करता हूं आपका, किसी फौज को नहीं कहना पड़ेगा, किसी आर्टिकल 190 की जरूरत नहीं है, अवाम की जरूरत नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि आइन कानून को नहीं मानते, अगर ना मानते होते तो जिस अंदाज में हम पेश हुए हैं शायद तारीख में भी कभी ऐसे ना कोई पेश हुआ था ना होगा। और हम नवाज शरीफ साहब पेश हुए थे, हाँ पेश हुए थे, और पूरी कौम ने देखा था कि किस तरह जजेस ने अपनी जानें बचाई थी भाग के। और दूसरी बात, अगले दिन चढ़ाई होगी थी सुप्रीम कोर्ट, सुन तो लेना। और दूसरी बात, हम जिस दिन सजा होगी आप देखिएगा, हम मैं पहले आपको कह चुका हूँ, ये सजाएं, ये जेलें, ये कोड़े, ये फांसियां, शहादतें, ये हमने सब देखी हुई है। हम जिस दिन सजा होगी आप देखेंगे, हम तो फांसी का फंदा भी चूम के लेते हैं और हथकड़ी को भी चूम के पहनते हैं। कितना अच्छा होता, चले सुन लो मेरी बात, हम उसकी पासदारी को यकीनी बनाएंगे, हम वो ऐसा काम नहीं करेंगे। आप यकीनी बनाएंगे, उमर चीमा साहब आपको क्या लग रहा है गुफ्तगू से? तो ये अच्छी बात है ना, फैसलों पर अमल दरामद के लिए जो फैसला आता है, अगर ये उस पर अमल दरामद करते हैं तो हम इनको खराज अकीदत पेश करेंगे, हम अप्रिशिएट करेंगे। अच्छी बात, सिर्फ एक बात, इन्होंने कहा है कि स्विट्जरलैंड में जो पैसे पड़े हैं उसको बचाने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। मैं ऑन एयर अपने दोनों भाइयों को यह दावा देता हूं, हम लोग इनको बायर टिकट भी देते हैं, बोर्डिंग लॉजिंग भी देते हैं, एक हफ्ते का स्टे भी देंगे। ये कौम को बताएं कि वहां कहां पैसे पड़े हैं, कुछ पैसे हम दे देंगे इनके कैंसर हॉस्पिटल को और कुछ रायबंद वालों को, जवाब देने रायबंद वालों को दे देंगे, मुझे बना लेंगे। चैलेंज के साथ जवाब देने दे मुझे। और ये वही कैसे हैं, उमर चीमा नवाज शरीफ साहब, उमर चीमा के जाने की जरूरत नहीं है, एक लम्हा मेरी और उमर चीमा के जाने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी मौजूद है और वकला भी मौजूद हैं, और मामलात जो हैं जो थ्रू प्रॉपर चैनल है उसके जरिए होना चाहिए, हमारे जाने ना जाने से क्या फर्क पड़ता है। अच्छी बात आपने कर दी, मुझे 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 सवाल करने दें बसरा साहब, मुझे सिर्फ सवाल करने दें उनसे। उमर चीमा साहब, अगर ये कौन सड़कों पे निकलेगी अदालती फैसलों पर अमल दरामद के लिए, इमरान खान की सरबराई में या फिर नवाज शरीफ की सरबराई में? देखिए यकीनन ये जो बड़े दावेदार बनते हैं कि जी अदलिया को हमने बहाल किया, अदलिया को आजाद कराने में इनके लीडर्स ने कुर्बानियां दी, अगर यही लोग उस आजाद अदलिया के फैसलों की राह में रुकावट बनेंगे तो यकीनन एक आईन में एक ऑप्शन है 190 भी, लेकिन अगर एज अ लास्ट ऑप्शन जो है लोगों को सड़कों पर निकलना पड़ा तो वो जरूर निकलेंगे। क्योंकि आप ये देखें, यहाँ जो बात कर रहे हैं, ये जो अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, ये बात करते हैं जमहूरियत की, आप देखें आईन के अंदर एक सदर पाकिस्तान, मेरे ख्याल में जिन्होंने ये इम्यूनिटी रखी शायद उनके भी जहन में नहीं था कि कल को आसिफ अली जरदारी जैसा शख्स भी इस मुल्क का सदर बन सकता है, कि आसिफ अली जरदारी जो खुद सदर है उनको इम्यूनिटी हासिल है और वो उनके पास इख्तियार हासिल है कि कोई भी शख्स जो सजा याफ्ता है उसको वो जो है पार्डन कर सकता है। अभी आपके सामने रहमान मलिक जो जिनको एनआरओ में कन्विक्ट किया गया उनको पार्डन किया गया, ये तो देखे आईन के नाम पे मैं समझता हूँ ये कौन के साथ बहुत बड़ा मजाक है। देखें आइन के नाम पे यही तो मसला है, ये सारे जो मामला देखें आज बहुत से देखें आसमान आज बहुत सी चीजें, बसरे साहब अगर आप इजाजत दें मैंने इसलिए बीच में अगर अपने अपने बात करें तो बेहतर रहेगा,
देखें बात यह है कि ये जमहूरियत की बात करते हैं कि जी हम जमहूरियत बचाने के लिए और जमहूरियत के लिए हमने, हालांकि इनकी जो माजी में जो इनकी हुकूमतें रही इनकी परफॉर्मेंस की वजह से जमहूरियत को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा और आज बहुत से मामला जो अदालत के बाहर तय होने चाहिए उनको मजबूरन अदालत में लेके जाना पड़ता है। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि पार्लियामेंट में बैठे हुए वो जमातें जो अपोजिशन बेंचेस पे बैठे हुए हैं वो एक्चुअली जो है इसी करप्ट निजाम को सपोर्ट कर रहे हैं और ये आपस में जो सब एक मुखमुखा मिल मिला के जो हो रहा है आपके सामने है कि आज दो साल से ऊपर हो गए और आज हम बात ये कर रहे हैं जबकि बिल्कुल अब ये आखिरी साल एक इलेक्शन का साल है कि इसमें आके हम जब ये देखते हैं कि इन चार सालों के अंदर इन हुक्मरानों की नाहली और करप्शन की वजह से आज मुल्क के अंदर जो महंगाई लाकानूनियत और जितने कर रहे हैं और टैक्सेस आ रही है बेहतर होगा। देखें मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ कि ऐसे ऐसे नाहल वजीर आजम को तो बहुत पहले ही जो है चले जाना चाहिए था, खुद ही जो है रिजाइन कर देना था। जाने से क्या होगा, चले वजीर आजम के जाने से क्या होगा, कोई नया प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, मामला तो खत लिखने का मामला मैं आपसे वही बात कर रहा हूँ कि ये अभी जिस तरह वजीर आजम साहब ने शुरू में आपने खत लिखने का आसना आपने प्रोग्राम के शुरू में भी जिस तरीके से बयान जो सुनाया जो वजीर आजम साहब का कि वो जो है अपनी पार्टी लीडरशिप के की करप्शन के ऊपर बिल्कुल जो है कुर्बान होने को तैयार है, जब इस तरह की जब जातियात की सियासत होगी कि लोग जो है मुल्क की मुफाद और आईन को एक तरफ और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को एक तरफ और सिर्फ लीडरशिप की करप्शन को बचाने के लिए हर तरह की कुर्बानी को देने को तैयार हो जाए तो मैं समझता हूं कि उस मैंडेट के साथ उस कौम ने जो एतमाद किया था ये कौम के साथ धोखा है और ऐसे लोगों का मैं समझता हूँ कि जो असल चेहरा है वो कौम के सामने आ चुका है और आप मुझे ये समझा दें बसरा साहब, मुझे ये समझा दें आप सुनहरे हरूफ में तारीख में अपना नाम आपकी ठीक है लीडरशिप का है कि कुर्बानियां दी शहादतें दी, अभी तो मामला सिर्फ आईन और कानून के एहतराम का है उस पर अमलदारी का है तो मामला बिल्कुल सादा सा है, उस पर अमल दरामद कर दें शायद मजीद सुनहरे हरूफ में लिखा जाए, इस बार गलत तौर पर जेल ना जाना पड़े आपको। कल भी हम एक तारीख लिखने जा रहे हैं और हमने हमेशा तारीखें लिखी हैं, हमने कोई खून से तारीखें लिखी है, आपने ये सियासी भगौड़े जो बातें करते हैं ना इनको तो पता ही नहीं है कि खून देना किस तरह कहते हैं, इनको सिर्फ ये दूध पीने वाले लोग हैं, ये इक्तदार के लिए पैदा हुए हैं, हम इक्तदार हमारी मंजिल नहीं है। मेरा व्यू ये है कि हम माजी में गद्दार नहीं कहलवाना चाहते, आइन तोड़ने वाला नहीं कहलवाना चाहते, सुन ले ठीक है, पार्टी के साथ लॉयल हो जाएं, पाकिस्तान के कौन सा पैसा बाहर के बैंकों में पड़ा है वो लेकर मेरी बात नहीं। और ये चौधरी साहब ने कहा ना कि अकाउंट का, आप इनसे ये पूछे हैं कि वो जो वाजिद शमसुल हसन वो जो सारा एविडेंस गायब किया है वो कहां पे गया, ये तो पैसों की बात कर रहे हैं, इन्होंने पूरा एविडेंस चैलेंज देता हूँ, ये जो करप्शन के साथ बानी है ना हमें पता है करप्शन की बुनियाद मियां नवाज शरीफ ने रखी थी और पीएलडी 2001 उठा के देख ली, जफर अली शाह केस चीफ जस्टिस साहब ने करप्ट क्लियर किया मियां नवाज शरीफ को, सुनामी खान की जहां तक बात है इनका चट्टा वट्टा भी टॉपिक रख लीजिएगा कौम के सामने लेके आएंगे, लेकिन जहां तक अगर मामला फिर हम कल पे छोड़ देते हैं फिर अब कल क्या होगा, कुछ नहीं होगा, यही सब कल कुछ भी नहीं होगा, ठीक है जाहिर बात है जुर्म तो आयद की जाएगी, एहतराम के साथ पेश होंगे, खत नहीं लिखेंगे, एहतराम के साथ पेश होंगे, कटहरे में खड़े होंगे, बड़े एहतराम दिखाएंगे, अदालत का एहतराम करेंगे, कहेंगे इम्यूनिटी हासिल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो डे वन से कटहरे में खड़ी है, अदालतों ने बताइए मुझे बाहर निकल आए, हम तो डे वन से कटहरे से बाहर निकल आए, अपने आप को साफ करवा, इसलिए नहीं निकल सकते, इसलिए नहीं निकल सकते हम लोग कटहरे से, हम लोगों ने इस आइन के खालक हैं, हमने इस आइन के काबिल हल उठाया है, तो ये सुन सुन के तंग आ गए, मैं सदीकुल फारूक साहब से ब्रेक के बाद ये सवाल करूंगी, आइन आइन और आइन हम हमेशा यही सुनते आ रहे हैं कि आइन का एहतराम करेंगे, ये फिर आइन है क्या पाकिस्तान का आइन, जब आप जरूरत के तहत आपने इस आइन में तब्दीलियां करनी हो तो खुद से आप तब्दीलियां भी कर सकते हैं और जरूरत के तहत इस आइन का हमेशा इस्तेमाल भी किया जा सकता है, आम शहरियों के लिए एक आइन और कानून लगता है कुछ उन्हीं के लिए बना है, पाकिस्तान के बड़े लोगों के लिए नहीं बना, इस पर बात होगी मुख्तसर से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं, बात होती है पाकिस्तान के आइन को किस तरीके से किस तरह से और किस दौर में कैसे इस्तेमाल किया जाता है और इसकी वाजह मिसाल आज ही के दिन हम देख रहे हैं, दो डिफरेंट पराए में इसको बयान किया जा रहा है कि पाकिस्तान का आइन ये कहता है, एक तरफ पीपल्स पार्टी कहती है कि आर्टिकल 6 है और दूसरी जानब तोहीन अदालत है। सदीकुल फारूक साहब, तो फिर पाकिस्तान के आइन को आप कैसे देख रहे हैं कि किस तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए इस वक्त? देखिए आइन को इस्तेमाल नहीं करना, वो इस्तेमाल पर, होता है ना, आइन पर अमल दरामद करना है और पाकिस्तान की तारीख बनाने का और खुद अपनी तारीख बनाने का, जो लोग अज्म व इरादा रखते हैं उन्हें अपने आप को आइन और कानून के हवाले करना चाहिए,
سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ پر الزام جب آیا انہوں نے اپنے آپ کو عدالت کے حوالے کر دیا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی آئے کہ جی آپ سے ایک مرتبہ مجھ سے آپ کے ہاتھ سے تیر لگا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے تھے, آپ نے فرمایا آؤ اور مجھ سے بدلہ لے لو. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمیں امیونٹیز میں تو ویسے نہیں پڑھنا چاہیے, لیکن اگر کوئی ایسی بات ہے تو تاریخ میں اور اپنا مال مقام بھی بنانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے آپ کو جیلوں کے ذریعے ہم بنائیں گے نہیں, آئین اور قانون پر عمل درآمد سے تاریخ بنے گی, جیلوں سے نہیں بنے گی, جیلوں سے نہیں بنے گی. پھر اب آپ کو لگ رہا ہے کہ نیا لانگ مارچ شروع ہوگا کہ کس کی قیادت میں پھر آپ جائیں گے باہر نکلیں گے عدلیہ کے فیصلے پر؟ آپ نے پہلے کہا نا قوم جو ہے عمل درآمد کرے گی, قوم پیچھے کھڑی ہوگی, ہم سب جو ہیں قوم کے نمائندے ہیں. یہ جو حکومت ہے یا نواز شریف کی قیادت, یہ جو عدالت ہے یہ بھی قوم کے جو مطابق ہے فیصلے کرے گی, یعنی عدالتیں بنانا ہے قوم نے بنائی ہیں, پارلیمنٹ بناتی ہے قوم اس کے نمائندوں کے طور پر. جب یہ نمائندے اس پر عمل درآمد ایگزیکٹو نہیں کرے گی تو پھر یہ قوم جو ہے یہ خود سڑکوں پر آئے گی اور عمل درآمد کرائے گی, اور یوں تاریخ بنے گی کہ پاکستانی قوم نے عدالتوں کے فیصلوں پر آئین اور عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق عمل درآمد کرائے. کون سی قیادت ہوگی, نواز شریف سپاہی بنیں گے یا عمران خان بنیں گے؟ انشاءاللہ یہ نوبت نہیں آئے گی. میں بات جو ہے یہ عجیب ہے, ہو سکتا ہے نہیں ایک لمحہ ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب سمیت سبھی سڑکوں پر آئیں, صدیق الفاروق جیسا ایک چھوٹا سا کارکن بھی وہاں موجود ہو. صدیق الفاروق صاحب آپ کو تو ٹکٹ نہیں دیتی آپ کی جماعت, آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, آپ کو تو سینٹ کا ٹکٹ بھی نہیں ملا. میں اس کے باوجود اپنی قیادت کا نکلے گی, آپ کی قیادت آپ کا ریسپیکٹ نہیں کر رہی. نہیں میں اپنی قیادت کا شکر گزار ہوں, ٹکٹ اگر نہیں دیا ہو سکتا ایسے کرتی ہے. اچھا میں ہو سکتا ہے میری بات سن لینا, آپ نے بڑی اہم بات کی ہے, بڑے لوگوں کو ٹکٹ شاید ملتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید میری کمٹمنٹ میں کوئی کمی, شاید میں نے کوئی قربانی جو ہے وہ اس معیار کی نہ دی ہو, شاید میں نے جمہوریت کے لیے جدوجہد نہ کی ہو, شاید میری تعلیم میں کوئی کمی رہ گئی ہو, شاید میری تعلیم میں کوئی کمی رہ گئی ہو. تو میں اب یہ کوشش کروں گا کہ مزید قربانی دوں, کوئی ایک ڈگری ایم اے کی اور لے لوں, میں انشاءاللہ کچھ ڈسپلن کا میں پابند ہوں, ڈسپلن کا میں پابند ہوں, پارٹی کے فیصلوں کا پابند ہوں, اور میں سلام پیش کرتا ہوں قیادت کو بھی اور پارٹی کو بھی. اگر مجھے ٹکٹ نہیں دیا تو کوئی بات نہیں, چلے آپ کو ٹکٹ نہیں ملا تو ہم اب عدلیہ کے فیصلوں پہ ذرا آ جاتے ہیں کہ عدلیہ کے فیصلوں پر عمل درآمد کیسے ہوگا. پیپلز پارٹی جیل جانے کے لیے تیار ہے, سنہری حروف میں نام لکھوائے گی عمر چیمہ صاحب. تو پھر ایک طرف عوام, ایک طرف عدلیہ, اور ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت اس وقت ہمیں کھڑی نظر آ رہی ہے. لیکن جس طرح میں پہلے بھی آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ یقیناً اگر ضرورت پڑی تو عدلیہ کے فیصلوں کے لیے عدلیہ کی سپورٹ کے اندر پوری قوم ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے ہم نے پہلے ہی بات کی بھی ہے کہ ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے, اور ضرورت پڑی تو ہم بالکل سڑکوں پہ آئیں گے اور حکومت کو اس چیز پہ مجبور کریں گے کہ اس پہ عمل درآمد کو یقینی بنائے. جو بات آپ نے کی کہ کس کی قیادت میں, تو اب دیکھیں جو بار بار جو تجربات ہو چکے ہیں, اب یقیناً اس دفعہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پوری قوم جو ہے عمران خان صاحب کی قیادت میں اس کرپٹ نظام کی تبدیلی کے لیے جو ہے بہت جلد جو ہے سڑکوں پہ ہوں گے. یار عمر چیمہ صاحب پوری قوم کی بات تو نہ کریں نا, آسما یا میں ایڈ ان کر دوں, پوری قوم اس لیے دیکھیں باسا میں آپ سے پہلے کہہ رہا ہوں کہ آج جو صورتحال ہے اس کی ذمہ دار تمام وہ جماعتیں جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں, جو صرف اور صرف آپس میں عمران خان کی قیادت میں یہ بات نہ کریں. یہاں نون ہے, پیپلز پارٹی ہے, دوسری پارٹیاں ہیں, جماعت اسلامی ہے, ساری قوم تو پیچھے نہیں چلے گی نا. دیکھیں نا حقائق کی بات کریں نا, حقیقت کی بات کریں. میجورٹی جو ہے میجورٹی اپنا فیصلہ کر چکی ہے کہ اب جو ہے مزید جو ہے اس نظام کے ساتھ مزید نہیں چلا جا سکتا ان کرپٹ چہروں نے, اور خاص طور یہ تمام کے تمام لوگ ایکسپوز ہو چکے ہیں جو بار بار اپنی باریاں جنہوں نے لگائی ہوئی تھیں. اس دفعہ یہ سارے کے سارے اگر آپ دیکھیں تو ساری جماعتیں جو ہیں یہ پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے آپس میں جو اقتدار کی بندر بانڈ کی ہوئی ہے, اس سے کم از کم قوم کو ایک چیز ریئلائز ہوگی ہے کہ ان کے پاس سوائے اپنے مفادات اور اپنی کرپشن کو بچانے کے عوام کے لیے ریلیف دینے کو کچھ نہیں ہے. یہاں پہ یہ لوگ جو ہیں وہ جو سیویئر ڈکٹیٹرشپ یا مروسی سیاست جو ہے وہاں پہ یہ شخصیات کے قیدی ہیں. یہاں پہ ان کا مقصد نہ عوام کی خدمت کرنا نہ ہی ملک کے آئین اور قانون کا تحفظ کرنا. آپ کے سامنے کہ یہاں پہ صرف اور صرف
बात की जाती है कि जी ये कह रहे हैं जी आइन के आइन की हम तहफ्फुज की बात करते हैं, क्या जनरल मुशर्रफ ने आइन का तहफ्फुज किया था जिसको इन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर देकर मुल्क से बाहर भेजा? लेकिन जहां पे ये अपनी सिर्फ कन्वीनियंस देखते हैं, ये सिर्फ अपना आराम देखते हैं, जहां पे इनको फायदा, मैं बताता हूं गवर्नमेंट उसके खिलाफ केस चलाएगी, कौन बुलाएगा? ये आपके साथ सदीकुल फारूक साहब बैठे, इन्होंने इनकी जमात ने 48 घंटे का इन्होंने दिया अल्टीमेटम दिया, उसके बाद क्या हुआ? मियां साहब फिर दोबारा जद्दा बुला लिया गया उनको, उसके बाद मामला फिर खत्म हो गया। तो ये देखिए मुल्क इस वक्त जिस सूरत हाल में है, उस वक्त एक तरफ हमें निजाम को बचाना है, एक तरफ हमें सात सूबा सिंध को देखना है, जिस सूबा सिंध से, नहीं पहले सूबा सिंध की बात मुझे करने दें, जिस सूबा सिंध से ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी, जिसके जुल्फिकार अली भुट्टो को बेटे को कराची में कत्ल किया गया, जिसकी बेटी और वजीर आजम और बड़ी लीडर को पिंडी में कत्ल किया गया, सिंध वालों को अगर हम उनके दामाद को वक्त से पहले या उनकी करप्शन की वजह से ही भेज देते तो सिंध में रद्द अमल होता। अब हमने अपने सबर से अपनी हिकमत अमली से एक्सपोज कर दिया है। अब अगर ये जाते हैं हम तो वो है यार, बसरी से आप कुछ सीख ले, कोई माई बसरी के नक्शे पर चले, मैं याद करूं। अब अगर ये जाते हैं करप्शन की वजह से जाएंगे, नाहली की वजह से जाएंगे, सुप्रीम आइन की खिलाफवर्जी की वजह से जाएंगे। आखिरी बात, मंजूर वसान कह रहे हैं उन्होंने तो नए प्राइम मिनिस्टर का ख्वाब भी देख लिया, क्या आप लोगों ने ऐसी तैयारियां कर ली कि इस तरफ वो गिलानी का बगल जा रहे हैं तो दूसरी तरफ नया वजीर आजम भी लेकर आ रहे हैं? इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं ये कहूंगा, ये जो भानमती का कुनबा मिला हुआ है, इनके इंटीरियर मोटिव पूरे नहीं होंगे। आप एक सवाल बार बार कर रही थी कि कौम को सड़कों पर आना पड़ेगा, हमने तो फांसी का फंदा भी चूम के गले में डाला था, जवाब देता हूँ, फांसी का फंदा भी चूम के गले में डाला था, और इंशाल्लाह अगर हमें सजा होगी आप देखेंगे कि हम उसके ऊपर मनोअन अमल करेंगे, और अगर अमल ना करना होता वहां पेश ना होता। अच्छी बात है, सुन ले अगली बात, अच्छी बात, अगली बात, अगली बात, बसरा साहब अगर आपकी इस बात पर आपकी क़यादत सारे अमल दरामद करें तो ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। अब अच्छा दूसरी बात, हमारा तो जहां तक मंजूर बरसान साहब की बात की वो हमारी पार्टी स्ट्रेटेजी होगी, जब वक्त आएगा इंशाल्लाह हम उसके मुताबिक अमल करेंगे। लेकिन आपको एक बात बता दूं, वो कहते हैं जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, जान तो आनी जानी है, जान की कोई परवाह नहीं, हमें कोई ना ड्राइव चीजों से, हमें बिल्कुल समझ आ गई। मैं वैसे एंड में आसमा इतना ही कहना चाहूंगा कि हुक्मरानों के पास अब भी वक्त है, ये अपना किबला दुरुस्त कर लें, वरना हालात की जिम्मेदार इस दफा ये होंगे, ये एक दफा फिर जो अपने आप को सियासी शहीद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस दफा सियासी शहीद बन के फायदा नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। सियासी शहीद बनने का वक्त लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का आ गया, शहादत लगता है ये कबूल करने के लिए तैयार है, जेलों में जाने के लिए तैयार है, और अदालती फैसले को इस तरह से मानेंगे, अगर सजा होती है तो उस पर अमल दरामद करेंगे, लेकिन अदालत अहकाम सादर करती है तो उस पर अमल दरामद नहीं होगा। इसके साथ ही इन सेशन से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।